कैसी होती थी अप्सराएं? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली मनोहारी, रम्य, अति सुंदर, अनेक कलाओं में प्रवीण, दक्ष, तेजस्वी और असाधारण दिव्य स्त्री है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी, गंधर्व, किन्नर और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी। उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता है। यूं तो जादुई शक्तियां अप्सराओं के अलावा यक्षिणी, नागिनी, इंद्राणी और पिशाचिनी में भी हुआ करती थी, लेकिन अप्सराओं की शक्तियां अद्भुत और अलौकिक थी। वह किसी को भी अपने सौंदर्य से अपने वश में कर उनका तप भंग कर सकती थी। यक्ष, गंधर्व और अप्सराओं को देवताओं की इतर श्रेणी में माना गया है। कहते हैं कि इंद्र ने 108 ऋचाओं की रचना कर अप्सराओं को प्रकट किया था। वेद और पुराणों की गाथाओं में उर्वशी, मेनका, रंभा, कृताची, तिलोत्तमा, कुंडा आदि नाम की अप्सराओं का जिक्र होता रहा है। माना जाता है कि ये अप्सराएं गंधर्व लोक में रहती थी। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती थी और उनके मनोरंजन के लिए उनके साथ सहवास भी करती थी। पुराणों के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र ने सिंहासन की रक्षा के लिए अनेक बार संत और तपस्वियों के कठोर तप को भंग करने के लिए अप्सराओं का इस्तेमाल किया है। वेद पुराणों की गाथाओं में कई स्थानों पर इन अप्सराओं के नाम आए हैं जहाँ इन्होंने घोर तपस्या में लीन ऋषियों के तप को भंग किया है। अपनी व्युत्पत्ति के अनुसार अप्सरा जल में रहने वाली मानी जाती है। अथर्ववेद तथा यजुर्वेद के अनुसार ये पानी में रहती है। ये अश्वत्थ तथा न्यग्रोव वृक्षों पर रहती है जहाँ ये झूले में झूला करती है और अपने मधुर गायन और वादों की मीठी ध्वनि बिखेरती है। ये नाच गान तथा खेलकूद में पारंगत होती है। अप्सराओं की कोई उम्र निर्धारित नहीं होती, ये सभी अजर और अमर है। शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं प्रमुख सेविका थी। ये 11 अप्सराएं हैं कृतस्थली, पूजिक स्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्जा, उर्वशी, पूर्वचिति तथा तिलोत्तमा। इन सभी अप्सराओं की प्रधान अप्सरा रंभा थी। अलग अलग मान्यताओं में अप्सराओं की संख्या 108 से लेकर 1008 तक बताई गई है। भारतीय पुराणों में भी कई जगहों पर अप्सराओं का जिक्र आता रहा है। ग्रंथों के ग्रंथ महाभारत, जिसमें कुरु वंश की उत्पत्ति का आधार भी एक अप्सरा को ही माना जाता है। श्रीमद् भागवतम पुराण के अनुसार पुरातन काल में पुरुर्वा नाम के एक राजा हुए जिनका विवाह उर्वशी के साथ हुआ। उर्वशी से पुरुर्वा के 9 पुत्र भी हुए और इन्हीं से आगे चलकर कुरु वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ। अब उर्वशी तो अजर अमर है, आगे चलकर इसी उर्वशी द्वारा इंद्रलोक में पांडव पुत्र अर्जुन से विवाह प्रस्ताव रखने का उल्लेख मिलता है, जहां अर्जुन ने उन्हें माता की संज्ञा दे दी थी। अर्जुन ने उन्हें कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः कुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता तुल्य हैं। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसी बातें कही हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक वर्ष तक पुरुषत्वहीन रहोगे, जिसका लाभ अर्जुन को अज्ञातवास के दौरान हुआ था। इसी प्रकार हिंदू ग्रंथों में ऋषि कंडू और अप्सरा प्रेमलोचा का भी जिक्र मिलता है, जिसने इंद्र की आज्ञा से ऋषि कंडू की तपस्या को भंग किया था और उनके साथ लगातार 907 वर्षों तक संभोग भी किया था। इतना ही नहीं, अप्सराओं का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है, जहां अप्सरा रंभा रावण के भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी थी और रावण ने भी एक बार इन्हीं अप्सरा का बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके कारण रंभा ने रावण को श्राप दिया था कि जब भी तू तुझे न चाहने वाली स्त्री से संभोग करेगा, तब उसी क्षण तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इसी प्रकार समय समय पर देवराज इंद्र अपने सिंहासन की सुरक्षा के लिए अप्सराओं का प्रयोग करते आए हैं। राधे राधे, धन्यवाद।